स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज चैनल में। मैं हूं सबहार। आज हम बीड़ के इस अहमदनगर रोड पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो तबलीग जमात का इज्तिमा चल रहा है, ये एक श्रृंखला है, पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। हर डिस्ट्रिक्ट का इज्तिमा दो दो दिन के गैप से चालू है और उसी श्रृंखला का एक हिस्सा बीड़ का ये इज्तिमा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इज्तिमा यहाँ पर, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हैं। और आप ये इज्तिमा जगह को अगर देखेंगे तो 150 एकड़ ज़मीन है और इस ज़मीन की खास बात यह है 20% और जो 80% ज़मीन है वो हमारे हिंदू भाई, जिसे बिरादरान वतन कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर दी है। तो ये एक गंगा जमनी तहजीब का एक बड़ा अच्छी मिसाल यहाँ पर पेश की गई है। और इसको देखते हुए देखिए, आप देखिए किस तरह से ये पूरा एरिया, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ भी बताएं, ये पूरा एरिया लोगों से भरा हुआ है। पूरी तरह से लोग जो है यहाँ पर इज्तिमा के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पूरे यहाँ पर शरीक हैं। कुछ लोग ठहरे हुए हैं और काफ़ी लोग जो है पंडाल के अंदर बैठ कर जो है इज्तिमा सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो शुरू हुआ है, पूरा जिधर जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक लोग नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं, हर ये कोने से लेकर तो वो कोने तक 150 एकड़ ज़मीन पर यह इज्तिमा हो रहा है। और पंडाल जो है 650 बाई 550 फीट, इस तरह से ये पूरा पंडाल है। और पंडाल के तीनों तरफ से जो है 300-300 फीट की जगह यहाँ पर छोड़ी गई है, ताकि लोग जो है बाहर के हिस्से में भी घूमें। इस तरह से ये पूरा एरिया जो है पंडाल और पंडाल के आसपास का एरिया, तकरीबन 15 जो है यहाँ पर जोन बने हुए हैं और 15 जोन में खाने का इंतज़ाम किया गया है। 3 जोन है जिसमें रोटी का इंतज़ाम भी है और बाकी जो 12 जोन है वहाँ पर अलग अलग खानों का यहाँ पर इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा, देखिए वो मेरे सामने जोन ए है। अब थोड़ी देर में जो है दुआ भी शुरू होने जा रही है और दुआ का भी आपको हम नज़ारा दिखाएंगे किस तरह से जो है दुआ होगी यहाँ पर। आप देखेंगे पूरे तरह से लोग दुआ के लिए जमकर बैठे हैं। दुआ अभी थोड़ी देर में होने वाली है और पूरे मुल्क के और पूरी दुनिया की अमन शांति के लिए यहाँ पर दुआ की जाएगी और इस दुआ के लिए लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये 2 दिन का इज्तिमा, आज दूसरा दिन है और 2 दिन के बाद जो आज जो दूसरा दिन चल रहा है, ये इज्तिमा अपने मतलब इख्तिताम पर है, मतलब ख़त्म होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में ये इज्तिमा ख़त्म हो जाएगा। लोग जो है दुआओं के लिए इंतज़ार करते हुए बैठे हैं और पूरे मुल्क और पूरे दुनिया की अमन व सलामती के लिए यहाँ पर दुआ की जाएगी और हमारे मुल्क के लिए भी यहाँ पर दुआ की जाएगी। देखिए, दुआ का अभी ऐलान हुआ है कि अभी थोड़ी देर में दुआ होगी। तो ये देखिए, दुआ के लिए अभी लोग जमना शुरू हो गए हैं, चारों तरफ से लोग जो है तो दुआ के लिए आ रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे किस तरह से पूरे जोन बने हुए हैं, जोन ए, जोन बी, ये टोटल 15 जोन हैं और ये पूरे लोग जो है इस 150 एकड़ ज़मीन के ऊपर यहाँ पर लोग जमे हुए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ऐलान हो गया दुआ का, थोड़ी ही देर में जो है दुआ शुरू हो रही है। देखिए लोग भाग रहे हैं, लोग दुआ के लिए तवज्जो के, अभी ऐलान भी किया गया, अभी दुआओं के लिए लोग जम रहे हैं। किस तरह से अब देखते देखते सब सभी लोग दुआ के लिए आ रहे हैं। इस पूरे इज्तिमा के अंदर तकरीबन 40 दिनों से लोग मेहनत कर रहे हैं और 40 दिनों से इस ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर जो है इज्तिमा के लिए अलग अलग प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिले, लोगों को खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा हो, लोगों को टॉयलेट्स बाथरूम का इंतज़ाम अच्छा हो। इसलिए पूरे एरिया में जो आप देख सकते हैं कि पूरा एक अच्छा इंतज़ाम किया गया है और अब ये इंतज़ाम के बाद आज ये इज्तिमा ख़त्म होने जा रहा है। बस आखिरी मरहले में थोड़ी ही देर में दुआ होगी और दुआ के बाद ये इज्तिमा ख़त्म होगा। हम हमारे दर्शकों से भी अपील करते हैं कि इज्तिमा के बाद शांति से और आराम से अपने घर जाएं। मैं सबाहत अली सैयद, मेरे सहयोगी शेख साकिब के साथ, महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल के लिए। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.